पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये पहुंच के सामने वो ट्रंप गोल्फ कोर्स आ गया। इसी में यहाँ पर कवाली, कवाली करके बहुत बड़ा ब्रांड है, कवाली ब्रांड के यहाँ पे विलास पड़े हुए हैं। मैं आपको पहले गोल्फ कोर्स दिखाऊँ यहाँ पे, आपको पहले गोल्फ कोर्स दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखिए, ये आखिरी विला बन रहे हैं यहाँ पे जो कि बजट वाले हैं। तो देखिए गोरा, आपको यहाँ पे इस धूप में दौड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे उनको बहुत पसंद है भाई गर्मी, बहुत पसंद है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सेहत के लिए धूप बहुत अच्छी है, उनके लिए अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी है उनको बहुत पसंद है। आप बीच पे जाके देखिए, संडे है ना, जगह नहीं मिलेगी आपको, सब वहां पे नंगे पोंगे पड़े होंगे। अरे सब नंगे पोंगे पड़े होंगे वहां। ये पूरी की पूरी कम्युनिटी रेडी है। ये यहाँ पे ये सेकंड लास्ट है अभी जो बना रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत बड़े विला बना रहे हैं जो कि जिसकी कीमत करीब करीब कुछ नहीं। तो विलास की लाइफ कितनी होती है? 100-125 साल रहती है। हाँ हाँ, आराम से। देखो इस क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को भाई, फिनोमिनल। ये देखिए, ये आ गए हम गोल्फ कोर्स में। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग आए हैं एक दुबई में प्रॉपर्टी देखने के लिए। ये ट्रंप प्रॉपर्टी है, हम लोग देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर विलास और अपार्टमेंट मिल जाएंगे आपको। आप देख सकते हैं अभी हम लोग गोल्फ कोर्स की तरफ एंट्री कर रहे हैं। किसी को भी प्रॉपर्टी चाहिए दुबई में तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है और यहाँ पर प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर एसोसिएट यहाँ पर काम करते हैं जो आपको अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी दिखाएंगे और आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ये देखिए दुबई का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स। यहाँ पे लोग आते हैं अपना शीशा और दारू यहाँ पे मिलती है, दारू उधर भी मिलती है। और ये तो मैं आपको अपार्टमेंट बता रहा हूँ जो कि नए बन रहे हैं, जो ये दो बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में उस तरफ फेसिंग गोल्फ कोर्स है, फुल गोल्फ कोर्स है। इसी में यहीं पर काम है। जैसे वो देखिए, वो अपार्टमेंट बने हुए हैं, वो सारे सोल्ड आउट हैं, वो रेडिसन होटल है। वो जो ऊपर वो ऊंची बिल्डिंग है, वो 500 बना हुआ है रेडिसन, फंसी हुई कम्युनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग उसके अंदर रहने लग गए, ठीक है। एंड द अमेनिटीज दैट यू आर सीइंग, यहाँ पे हमने 5 अलग टाउन बनाए हैं जिसमें से 3 आज के डेट में रेडी है। एक है पूरा वाटर टाउन, पानी के लिए डेडिकेटेड एरिया है। 24,000 स्क्वायर फीट का एक स्विमिंग पूल बनाया है विद आर्टिफिशियल वेव्स, प्लस एक किलोमीटर का आपका लंबा लेजी रिवर बनाया गया है इसके अंदर, जिसपे आप डोनट पे बैठ के फ्लोट करते जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद सर्फिंग के लिए, आर्टिफिशियल वेव सर्फिंग के लिए एक अलग सी जगह बनाई गई है, प्लस आपका एक बड़ा सा बोटिंग लेक एंड कैफे है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हो। ये सारी जो एमिनिटीज है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज फॉर द रेसिडेंट्स जो उस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमने क्रिकेट के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली फोकस करके एक बड़ा सा, ये जो आप ग्रीन पैच देख रहे हो, ये पूरा स्पोर्ट्स डेडिकेटेड एरिया है। अब यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल है, टेनिस है, पैडल कोर्ट्स है, सब कुछ इसके अंदर आपको अवेलेबल है, बस आपको बुक करना है, यूटिलाइज करना है, ठीक है।
ये हो गया। फिर आपका एक डाउनटाउन अमेनिटीज बनाया, आप बच्चों के लिए भी कुछ देना पड़ेगा ना, तो लाइफ साइज चेस प्लेट, स्नेक एंड लैडर, हेच मेजेस, डाउनटाउन यू नो बारबेक्यू एरियाज, ये सब कुछ भी बनाया, ये सारी आज के डेट में रेडी है, ठीक है। लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी, और मतलब मजे से आप अगर संडे आप जाओगे वाटर टाउन के पास जाओ, मतलब लोग भरे पड़े रहेंगे यूजिंग द वाटर, राइट। तो सर्फिंग कर रहे होंगे, स्विमिंग कर रहे होंगे, ये सारी चीजें। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो एक योगा एंड मेडिटेशन एरिया जेन गार्डन हमने बनाया है विद ह्यूज पार्क एरिया एंड अ वाटर फीचर इन बिटवीन, प्लस फिशिंग लेक है, डक लेक है, नॉर्मल वाटर बॉडीज हैं जो अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं। मतलब ये एक शहर बसाया गया है पूरा अगर आप देखो तो। इसके अंदर आपको मॉल्स मिलेंगे जिसके अंदर सुपरमार्केट्स हैं, जिसके अंदर आपके कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, राइट। एंड उसके अलावा मतलब पेट फ्रेंडली कम्युनिटी है, तो फिर डॉग पार्क बनाया हुआ है हमने, पेट गार्डन बनाया हुआ है, इसके अंदर नेट क्रिकेट नेट प्रैक्टिस है, जॉगिंग ट्रैक्स है। एक और चीज इसकी ये है कि मतलब साइकिल ट्रैक जो है पूरा यहां से कम्युनिटी के अंदर और कम्युनिटी के बाहर से तक अलकुदरा साइकिल राउंड अबाउट और उसके आगे भी आपका साइकिल ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक है, आप जो भी समझ सकते हो, ठीक है। वो भी चीज ऑलरेडी बना हुआ है, ये पूरे बने हुए आज के डेट, ऐसा नहीं है कि बनेगा, अच्छा ये बना हुआ, ये बन चुका है, मास वास बन गया, सब कुछ बना, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ बना हुआ है। ये सब ये एक्चुअल फोटो है, ये रियल फोटो है, ये कम्युनिटी, ये एक्चुअल फोटो है, ये पूरी वाटर टाउन है, यहाँ से ये पूरा बोटिंग लेक है, फिर आपका ये वेव सर्फिंग का एरिया है जहां पे आप सर्फ कर सकते हो, ये सब एक्चुअल बना हुआ है, ये लेजी रिवर है और यहाँ पे मैलिबू बीच है, ये देखिए ये सब एक्चुअल है, ये रियल फोटोज है सारे, अच्छा ठीक है। ये अब टाउन हाउस है जैसा ये दिखेगा, अब ये टाउन हाउस का मतलब ये मतलब रो हाउसेस है बेसिकली। अब ये कॉर्नर वाला है और ये मिडिल वाला है, मिडिल वाला 1.83 मिलियन का है, कॉर्नर वाला 2,30,000 का है। अब इसमें फर्क ये आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से ये पूरा खुला है, ये वाला दोनों तरफ से आपका नेबर रहेगा, प्लस यहां पे आपको साइड गार्डन मिलेगा और बैकयार्ड मिलेगा, एल शेप गार्डन आएगा उसको, इसलिए ये थोड़ा प्रीमियम कंपैरेटिवली, ठीक है। बाकी आपका दो कार पार्किंग मिलेगा, प्लस फर्स्ट फ्लोर है, प्लस सेकेंड फ्लोर है जहां पे एक बड़ा टेरेस एरिया दिया गया है, आप वहां पे बारबेक्यू स्टेशन लगा के, सोफा लगा के, यू कैन मेक इट एज अ सोशल लाउंज या फैमिली गेट टुगेदर प्लेस। टेरेस एरिया में कितना मतलब क्या बना हुआ है, सिर्फ एक बेडरूम है प्लस एक बड़ा सा टेरेस एरिया दिया गया सेकेंड फ्लोर पे, मैं आपको फ्लोर प्लान भी दिखाता हूँ उसका। अब ये पीछे की तरफ से जैसे ये आपका बैकयार्ड हो गया, ठीक है, फ्लोर टू सीलिंग ग्लास आएगी लिविंग रूम में ग्राउंड फ्लोर पे, उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर, फिर आपका सेकेंड फ्लोर, ये लेजी रिवर है, ये एक्चुअल फोटो है, अच्छा ये एक्चुअल बना हुआ, मतलब सब जो आप देख रहे थे वो सब एक्चुअल है। अब इस पूरे कम्युनिटी में इसकी जो लोकेशन है, वेरोना के लोकेशन कहां पे ये टाउन हाउसेस आ रहे हैं, ये ब्लू कलर का पैच देखकर ये पूरा वेरोना क्लस्टर है, ठीक है। इसका एडवांटेज है दोनों साइड पे गार्डन है, हाँ दोनों साइड पे तो एक गार्डन है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉक्सिमिटी टू द वॉटर टाउन एरिया एंड द वॉकिंग डिस्टेंस स्पोर्ट्स टाउन एरिया, इट इज वॉकेबल डिस्टेंस। अगर आपको मैलिबू बीच एक्सेस करना है तो आप मतलब अपने घर से सिर्फ एक 100 मीटर की दूरी या 50 मीटर की दूरी पे चल के जाके आप सारी जो एमिनिटीज हैं एक्सेस कर सकते हो, आपको गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है पहली बात, ठीक है। 50 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस यू रीच द मैलिबू बीच वेव पूल एंड यू ऑल्सो रीच द टेनिस क्रिकेट ग्राउंड्स ऑल ऑफ दैट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मतलब यहां से अगर आपको यहां पे जाना है तो आपको गाड़ी निकालना पड़ेगा, यहां से यहां जाने के लिए गाड़ी नहीं निकालनी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल के दिन अगर आप बेचना चाहते हो अपने टाउन हाउस को तो जो बायर आगे से रहेंगे दे विल कंसिडर ऑल दीज थिंग्स, मतलब कितना क्लोज है अमेनिटीज के, कॉर्नर यूनिट है, मिडिल यूनिट है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो यहाँ पे पहली बात तो गार्डन एरिया है बड़ा सा, यहाँ पे एक फिशिंग लेक है, प्लस पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन एरिया है अगेन, एंड यहाँ पे एक मॉल भी आने वाला है जो फ्यूचर कंस्ट्रक्शन है। तो मॉल से, एमिनिटीज से, गार्डन एरिया एंड फिशिंग लेक, दिस इज सराउंडेड बाय ऑल द एमिनिटीज,
इसको रेंट पे चढ़ाना बहुत आसान होगा, कल के दिन इसको बेचना बहुत आसान होगा क्योंकि लोकेशन इतनी बढ़िया है इसकी। पूरे कम्युनिटी में भी जो जिस क्लस्टर्स की लोकेशन है दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग। ये अगेन जेजी रिवर एक्चुअल पिक्चर, ये रेंडर्स नहीं है, रेंडर नहीं है, मतलब ऐसा ही बना हुआ है। ये वहीं की फोटो है, ये भी वहीं की फोटो है, एक्चुअल है, लग रहा है ऐसे बना रखा है। नहीं बना हुआ है उसके अंदर बैठे आराम से अपनी मूवी देखे। ड्राइविंग सिनेमा तो आपने सुना ही होगा, पिक्चर देखते हैं, फ्लोटिंग सिनेमा है नया कॉन्सेप्ट। भरत जी आप कल तो बोले यार छोड़ यार इसको, क्या रेंट पे देना यहाँ पे, तो आपको ही बहलेंगे। हाँ ये बात है, दो महीने सिर्फ कैसे तब ऐसे बैठे हुए हैं उसपे, बड़ा सा प्रोजेक्टर है सामने लगा हुआ, ठीक है, आप बस अपनी गाड़ी को पार्क करो, गाड़ी के अंदर बैठो, एसी चलाते क्योंकि ओपनएयर है ना, ओपनएयर सिनेमा है, तो अगर आपको गाड़ी के ऊपर बैठना है तो ऊपर बैठ के देख सकते हो, अंदर बैठना है अंदर बैठ के देख सकते हो, प्लस बगल में ही आपका सारा कैफेज रेस्टोरेंट है, शावरमा वगैरह, शावरमा ले लिया वहां से, जूस ले लिया यहाँ से, बैठे आराम से देख रहे हैं सिनेमा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस। ये सब बन रहे, देखिए क्रिकेट पिच, फुटबॉल पिच, पेंटबॉल का एक अलग से सेक्शन भी है जो कि ऑलरेडी रेडी है, पेंटबॉल भी खेल सकते हैं, मतलब सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने घर ले लिया, पूरा कम्युनिटी का एक्सेस आपको है इसके अंदर। और ये देखिए, ये है पूरा वेरोना का क्लस्टर मैप, ठीक है। अब इसमें ये जो लाइट ऑरेंज कलर के आप देख रहे हो, पीच कलर के, ये आपके मिडिल वाले फोर बेडरूम्स है, इसमें सिर्फ फोर बेडरूम्स ही है, फोर बेडरूम मिडिल, फोर बेडरूम कॉर्नर, कुछ अलग टाइपोलॉजी नहीं है। ये पर्पल कलर वाले जो आप देख रहे हो, ये आपका कॉर्नर यूनिट है, 2,030,000 एंड यहाँ ये वाला आपका पड़ेगा 2,000,000, 2.15, 2.2 के अंदर, सिंगल रूम भी अराउंड द सेम थिंग है, तो निकाल देंगे सर आपके लिए, सॉरी है तो कुछ नहीं वैसे। सुनिए देखिए, मैं क्यों क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक तो आखिरी यूनिट हो कि हमारे यहाँ ये जैसे यूनिट मिल गया या ये यूनिट मिला या ये मिला इधर मिला, इससे क्या होता है, इससे हमारे साथ कोई नेबर है ही नहीं, जब कोई नेबर ही नहीं है तो मेरे को 3 साइड ओपन प्लॉट मिल गया और हरियाली मेरे को फ्री में मिली, पार्किंग मेरे को फ्री में एक्स्ट्रा मिल जाती है, एक्स्ट्रा पार्किंग क्योंकि हमारे घर के बाहर कोई नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये यूनिट लूंगा या ये लूंगा, है ये भी कॉर्नर यूनिट, लेकिन इस दीवार के बाद तो मेरा पड़ोसी है ना, बिल्कुल, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एंड यूनिट दे। अच्छा ये हो गया एंड एंड यूनिट, अच्छा ये सिंगल रो एंड यूनिट, सिंगल रो मतलब हमारे घर के पीछे कोई है भी नहीं, घर के पीछे ना आगे ना बगल में, ये यूनिट अगर मैं इसको यहां से क्या करेंगे, हम इनसे बोलेंगे कि मेरे को सिंगल रो एंड यूनिट हो, सिंगल रो एंड यूनिट में हम लोगों को घर को बेचना रेंट करना एप्रिसिएशन हर चीज बहुत बढ़िया मिलती है, क्योंकि प्राइवेसी हमारी होती है 100%, वो हम लोग निकालेंगे। एरिया कितना होता है इसका सर? कॉलिंग यूनिट का 2,415 स्क्वायर फीट है बिल्टअप एरिया, और प्लॉट एरिया आपका 1,832 स्क्वायर फीट का है, तो मतलब तेरा हो गया मतलब ऑलमोस्ट 800 स्क्वायर फुट का प्लॉट मिला है। प्लॉट हाँ, प्लॉट तो 18 नहीं, जो फ्री प्लॉट मिलेगा, हाँ जो फ्री प्लॉट मिलेगा, क्योंकि आपका कितना बता रहा है 2,400 तो 800 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
500 क्योंकि 600 स्क्वायर फुट पार्किंग में निकल गया। इनका जो है जो ये 1800 जो 2400 स्क्वायर फुट बोल रहे हैं पार्किंग के अलावा
2400 स्क्वायर फुट है, पार्किंग 600 स्क्वायर फुट की, वो किसी एरिया में उसका कैलकुलेट नहीं है, क्योंकि अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो 3000 स्क्वायर फुट रेंज आपने चेंज कर दी होगी, इसमें क्या पार्किंग पैसे ले लिया होगा? नहीं लिया, नहीं क्या अल्टरनेटिव वाला देखिए, अगर ऊपर स्लैब डाल दी ना पार्किंग के ऊपर, अगर आपने स्लैब डाल दी ठीक है, तो आपका बिल्टअप एरिया में आ गया, ये लोग स्लैब नहीं डाल रहे उसके ऊपर, उसके ऊपर ये क्या डाल रहे हैं, इसके ऊपर ये डाल रहे हैं अपना जो वो स्ट्रिप्स होती है ना सीमेंट की, स्ट्रिप्स डाल के दे रहे हैं जिसके अंदर से हवा भी पास हो रही है, इसलिए ये उसका चार्ज भी कर रहे हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। तो हम लोग अगर देखें तो हमको 1000 दिरहम पर स्क्वायर फुट से नीचे मिल जाता है, 800 दिरहम अगर आप पार्किंग का कैलकुलेट करेंगे बिल्टअप में तो वो आपका चला जाएगा 650 पर स्क्वायर फुट। और आज की डेट में पूरे दुबई में कहीं पे भी आप छान मारो 2 मिलियन में 4 बेडरूम का 2400 स्क्वायर फीट का टाउन हाउस आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस में, सब कहीं पे भी आप एनीवेयर ओपन चैलेंज क्या नॉट पॉसिबल, नहीं नहीं नॉट पॉसिबल, ये अगेन द डाउनटाउन एलिवेशन। वो देखिए बिल्टअप दोनों का सेम है, चाहे हम सेंटर वाला लें चाहे कॉर्नर वाला लें, बिल्टअप दोनों का सेम है। कॉर्नर का प्रेफरल लोकेशन चार्ज भी नहीं कर रहा, पीएससी चार्ज नहीं करते, कर रहे हैं कर नहीं नहीं कर रहे हैं, प्लॉट आपको जो मिल रहा है 600 स्क्वायर फीट 630 स्क्वायर फीट का बड़ा प्लॉट आपको मिल रहा है मिडिल के मुकाबले में, तो उसका पैसा चार्ज मिडिल का 1200 स्क्वायर फीट का 1200 ठीक है, इसका 1832 देखे तो मेरे हिसाब से सेंस बनती है कॉर्नर का, कॉर्नर बेहतर है, कोई भी प्रॉपर्टी है कॉर्नर में है तो फिर एग्जैक्टली। अभी इसका फ्लोर प्लान थोड़ा इंक्रीज, हम लोगों ने अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज परचेस किए हैं टोटल कॉर्नर ही परचेस, हमेशा मैं बीच में जाता ही नहीं, नहीं जाना नहीं शुरू से ये देखिए यस, अब कॉर्नर का मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले ठीक है, एक तो आपकी दो कार पार्किंग होगी जो आपके सामने आएंगे घर के सामने, उसके बाद मेन एंट्रेंस आपका मिडिल से, अब ये जो एरिया है ये आपका 3.5 मीटर का जो विड्थ का एरिया है प्लस दिस लेंथ ओके, दिस इज द एक्स्ट्रा प्लॉट दैट यू आर गेटिंग इन द कॉर्नर यूनिट प्लस बैकयार्ड, तो आपको मिडिल में भी आएगा और कॉर्नर में भी आएगा, लेकिन ये तो सोसाइटी का होगा ना, तो ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, सोसाइटी का वो होगा जो वो कॉर्नर को एकदम कॉर्नर की यूनिट नहीं बोल रहे थे, वो तो मैं यूनिट बोल रहा हूँ ना, वो इसके बाद है वो आपका, देखो ये आपका प्लॉट हो गया, उसके बाद इससे डबल वाला एक और प्लॉट रहेगा, ये सोसाइटी का ब्लैक वाला है, ये मेरी बाउंड्री है, ये आपकी बाउंड्री है, ये ब्लैक आपकी बाउंड्री है, इतना आपका घर है बाउंड्री, ये आपका घर है ठीक है, अगर आप एंड एंड कॉर्नर एकदम कॉर्नर यूनिट लेते हो तो इसके बगल में एक और आपका मतलब 4.5-5 मीटर का गार्डन रहेगा जो दमैक बनाएगा, अच्छा अच्छा, क्योंकि रोड आएगा ना बीच में, तो गार्डन पहले लैंडस्केपिंग आएगी फिर पेडेस्ट्रियल वॉक आएगा उसके बाद आपका इंटरनल रोड आएगा, तो वो भी आपका मतलब अनऑफिशियली हो गया वैसे ठीक है, वैसा है कैलकुलेशन, एंट्रेंस आएगा फिर आपका क्लोज किचन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक ओपन स्टडी एरिया दिया है हमने ठीक है, जहां पे आप बंद करके चाहिए तो ओपन होम ऑफिस भी बना सकते हो, पर्सनल ऑफिस स्पेस बना सकते हो, उसके बाद अच्छा ये किचन के सामने ही लैट्रिन बाथरूम है, कौन सा सामने, ये तो लॉन्ड्री है जो खुला है उसके बगल में, ये गेस्ट बाथरूम, गेस्ट बाथरूम जो बाहर गेस्ट बाथरूम है, गेस्ट बाथरूम है बाहर से एंट्री, बाहर से एंट्री इसके बाहर से ही है, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर आपका ये स्टेयर्स है जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएगा, यू हैव द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, साइज लेस ऑलमोस्ट 6 मीटर्स विड्थ बाय 4.25 मीटर्स, ये सेम आपका लगूंस में विड्थ एंड लेंथ विच इज 4 मिलियन ठीक है, ये पैशन स्पेस और गार्डन एरिया ऑलमोस्ट आपका 4.2 मीटर्स का आता है स्पेस ठीक है, अब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम है, एक आपका मास्टर बेडरूम है जो अटैच्ड बाथरूम के साथ आता है एंड वॉक इन क्लोजेट सेपरेट ठीक है, 2 अलग बाथरूम है जिसकी एक कॉमन बैल्कनी है विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ द बेडरूम्स, एंड इनका एक शेयरिंग बाथरूम है विच इज ऑन द आउटसाइड फॉर दीज 2 बेडरूम्स ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है,
फर्स्ट फ्लोर को फिर से डिस्क्राइब करिए, फर्स्ट फ्लोर पार्ट रूम। आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए, उसके बाद आपका एक मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का अटैच्ड बाथरूम है, ठीक है, प्लस एक सेपरेट क्लोजेट स्पेस है, वॉक इन क्लोजेट। अब इसकी बड़ी सी बालकनी है, चाहे आप सोफे लगाओ चाहे आप चेयर लगाओ, मतलब आप वहां पे भी आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका नहीं कि वो बाथरूम नहीं, बाथरूम का भी नहीं हो गया, ठीक है, नीचे वाले बालकनी का होगा। बालकनी का ऑलरेडी देखो इतनी स्पेस है, अगर आप चाहे तो ये दो जो बेडरूम्स है इनका बाथरूम बाहर की तरफ है, शेयरिंग बाथरूम है, वन बाथरूम फॉर दीज टू बेडरूम्स। इनमें भी आपको बालकनी एक्सेस मिलती है, ठीक है, एक बड़ी बालकनी है, यहाँ से आपका स्लाइडिंग डोर है जो एक्सेस देगा, दिस इज अनदर स्लाइडिंग डोर विच गिव्स एक्सेस टू द बालकनी फॉर दीज टू बेडरूम्स। मास्टर बेडरूम का ये बड़ा सा बालकनी है। ये बेडरूम क्या 3.5 क्या स्क्वायर मीटर है, ये मीटर मीटर मीटर, तो स्क्वायर फीट कितना हुआ है, इनटू 10.7 करेक्ट 76 ना 30 हो जाएगा, ये 20 फीट है तो बहुत बड़ा हुआ, तो 20 इंच है बहुत बड़ी साइज। हाँ हाँ भाई आपका 2.9 लगाओ बहुत बड़ा हो गया, फिर बात हो मतलब बेडरूम में तुम जो है इसको कर सकते हो पूरा, नहीं नहीं ठीक ठाक साइज है, कितना है मोटा मोटा देखने लो 30 स्क्वायर फुट हो जाएगा आपका बेडरूम। फर्स्ट फ्लोर सर ये सेकेंड फ्लोर एकदम सिंपल, एक एक्स्ट्रा बेडरूम है सेकेंड फ्लोर पे विथ अटैच बाथरूम प्लस एक बड़ा सा टेरेस एक्सेस। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया, टीवी रूम बना लिया, गेम्स रूम बना लिया, ऐसे कर लेते हैं लोग। अगर आपको बड़ा ऑफिस स्पेस चाहिए तो आप सेकंड फ्लोर को बना सकते हो, तो ये सब चीजें जो है ये ऊपर के वाले लोग हैं बहुत उसको यूज कर रहे हैं। ये टेरेस पे मतलब ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं किसी भी जगह, नहीं नहीं अगर आपको लिविंग रूम बढ़ाना है ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग डाइनिंग रूम वो एक्सटेंड करना है तो आप कर सकते हो। अच्छा वो आप कर सकते हो, आपको अगर लिविंग रूम नीचे का ग्राउंड फ्लोर का बढ़ाना है इंटरनल इंटरनल देखिए ये जो जहां तक पैटियो लिखा है ना या पैटियो तक लेके जा सकते हो, यहाँ तक वहां तक क्या ऑलमोस्ट 1.5 meters है। अच्छा आपके कल को बढ़ाना है ये बढ़ा सकते हो, और ये आसान भी है क्योंकि ये पूरा ग्लास है, पूरा ग्लास फ्लोर टू सीलिंग ग्लास है। अच्छा ठीक है बस, और ये कवर्ड एरिया रहेगा आपका पैटियो ऊपर ऊपर से भी इसका छज्जा रहेगा। अच्छा तो आपका छज्जा नीचे गिर गया, आपने सिर्फ शीशे आगे ले गए आप बस, तो इसलिए आपका 1.5 meter जो है हिसाब से। और ये लोगों ने किया है बहुत बहुत सारे लोगों ने टाउन बढ़ाया नहीं करते हैं। देखिए इन्होंने छोड़ा हुआ है क्योंकि कुछ लोगों ने पूल बना लिया पीछे, कुछ लोगों ने क्या वो सबकी प्रेफरेंस है, आजकल लीनियर पूल का फैशन है। अच्छा बहुत ज्यादा बड़ा वाइड पूल नहीं चाहिए था क्योंकि लेंथ नहीं कर रही उसको, लेंथ चाहिए लेंथ चाहिए उसको, वाइड पूल नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं बहुत लीनियर पूल जो है लंबा पूल बना देते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो है इसको छेड़ दिए। ये पूरा ऑलमोस्ट आपका पूल बनाने में क्या एक्सपेंसेस आते हैं 30-35 हजार डिपेंड करता है। देखिए मैम ये शुरुआत है, अच्छा खासा पूल जो है 30-35 हजार रुपए में बन जाता है, छोटा पूल है लीनियर, क्योंकि अभी एक हम बनवा रहे हैं तो पूल को हमने छत के ऊपर कर दिया। हाँ अब वो देखा करेक्ट समझे भाई, जो हॉस्टल तैयार कर रहे हैं ऊपर में एक रेस्टोरेंट एरिया बार एरिया उसी के सामने जो है पूल भी दे रहे हैं और भी बेहतरीन वाटर प्रूफ, मजा आएगी देखते हैं। ये बढ़िया जी गुड, इस रेट में ऐसी चीज पूरे दुबई में जेनुइनली नहीं नहीं होगी, एरिया भी काफी अच्छा है, एरिया अच्छा है, कम्युनिटी में ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी है, ठीक है एमिनिटीज रेडी है, और 30,000 से ज्यादा लोग आज की डेट में रहते हैं वहां पे, ठीक है आपका तो इससे बढ़िया बात तो है ही नहीं, मतलब रेडी टू मूव इन कम्युनिटी में आप जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दमैक हिल्स में अगर आपको एक टाउन हाउस लेना है, ठीक है समझ लो फोर बेडरूम 2,700 square feet का आपने तो बेचा है, लेकिन आपको अभी पता है ना सेकेंडरी में कितना गया। अच्छा अभी सीरियसली तो प्राइस तो माशाल्लाह
बहुत ऊपर 3.6 मिलियन में बेचा इसी कम्युनिटी में 3.6 मिलियन में वो भी डिस्ट्रेस डील थी एक दिन के अंदर बिके क्योंकि मार्केट रेट जो चल रहा है उसका 3.8-4 मिलियन के आसपास का मार्केट रेट है सेलर को जरूरत थी पैसे की 3.6 में एक दिन के अंदर हमने उसका बेच दिया इस कम्युनिटी जहां बैठे और सेम चीज लगून्स में जो कि यहीं पे इसी लोकेशन में है आपका 4 बेडरूम जा रहा है 3.2 मिलियन का वो भी ऑफ प्लान अंडर कंस्ट्रक्शन और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है कब तक ये हैंड ओवर हो जाता है ये आपका हैंड ओवर होगा जून 2026 तक जो कि आपका ढाई से तीन साल हाँ और इसमें एक और खासियत ये है डमैक पहली बार 5 साल की गारंटी दे रहा है डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड नॉर्मली आपको 1 साल का मिलता है ठीक है सिर्फ 1 साल का वारंटी मिलता है जैसे एसी प्लम्बिंग एक्सेट्रा कुछ भी अगर अंदर प्रॉब्लम आया तो 1 साल का वारंटी मिलता है इसमें वेरोना में 5 साल का वारंटी देता हूँ क्वालिटी बहुत अच्छी लग रहा है क्योंकि द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी आर मेकिंग इज वेरी गुड इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि हम लोग 5 साल का वारंटी हम आपको दे रहे हैं आज हमको 10 साल की मिले तो ये 5 साल के दे रहे हैं आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है जी उसकी एक पीडीएफ सर को भेज दीजिएगा सर सबको भेज दीजिएगा क्योंकि अभी क्या 15 मिनट में क्योंकि इनकी फ्लाइट है 5 बजे की